राजेश अग्रवाल वित्त मंत्री। वाराणसी में लहर तारा तालाब कबीर स्थल एवं गुरु रामदास की जन्मस्थली सीर गोवर्धनपुर को सुदृढ़ीकरण किया जाना भी प्रस्ताव है। प्रयागराज में ऋषि भारद्वाज आश्रम एवं श्रृंगेरी आश्रम का धाम का विकास भी किया जाना प्रस्तावित है। विंध्याचल एवं नामिष्य का विकास भी किया जाना प्रस्तावित है। बौद्ध परिपथ में सारनाथ, श्रावस्ती, कुशीनगर, कपिलवस्तु, कौशाम्बी एवं संकिसा के विकास का भी किया जाना प्रस्तावित है। शाकुम्भरी देवी एवं शुक्रताल का विकास भी प्रस्तावित है। राजापुर चित्रकूट में तुलसीपीठ का विकास भी जो है वो विकास किया जाना प्रस्तावित है। तो बहराइच में महाराजा सुहेल देव का स्थल एवं चित्तौरा झील का विकास प्रस्तावित है। लखनऊ में बिजली पासी के किले का भी विकास किया जाना प्रस्तावित है। मैं न्याय पालक प्रदेश के नवसृजित जनपदों एवं नवसृजित न्यायालयों में आवासीय एवं अनावासीय भवनों के निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहण हेतु 1,075 करोड़ रुपए की व्यवस्था का प्रस्ताव है। माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने मल्टीपल पार्किंग में एवं एडवोकेट चैम्बर्स के निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 19-20 के बजट में 150 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के उपयोगार्थ कॉन्फ्रेंस हॉल के निर्माण हेतु धनराशि की व्यवस्था बजट में प्रस्तावित है। वाणिज्यिक विवादों के शीघ्र निस्तारण हेतु कॉमर्शियल कोर्ट्स का संचालन के लिए 10,86,00,000 रुपए की व्यवस्था का भी प्रस्ताव है। मान्यवर, विभागवार महत्वपूर्ण योजनाओं एवं कार्यक्रमों हेतु आय व्यय में की गई व्यवस्थाओं का विवरण प्रस्तुत करने के पश्चात इन पंक्तियों के साथ मैं राजकोषीय सेवाओं का विवरण प्रस्तुत कर रहा हूँ। हम ऐसा दरिया है जो एक एक कतरे का कोई भी मांग ले हिसाब दे देंगे, कोई भी मांग ले सारा हिसाब दे देंगे। राजकोषीय सेवाएं राज्य वस्तु एवं सेवा कर तथा मूल्य संवर्धित कर, राज्य वस्तु एवं सेवा कर तथा मूल्य संवर्धित कर से राजस्व प्राप्ति का अनुमान 77,640 करोड़ रुपए निर्धारित किया गया है। आबकारी शुल्क, आबकारी शुल्क से राजस्व प्राप्ति का अनुमान 31,517 करोड़ 41 लाख रुपए। स्टाम्प पंजीकरण से 19,179 करोड़ रुपए की प्राप्ति अनुमानित है। वाहन कर, वाहन कर से 7,863 करोड़ रुपए का अनुमान है। वित्तीय वर्ष 2019-20 के बजट अनुमानों में मानवर, अब मैं वित्तीय वर्ष 2019-20 के बजट अनुमानों के बारे में प्रमुख बिंदुओं का उल्लेख करना चाहूंगा। प्रस्तुत बजट का आकार 4,79,701 करोड़ 10 लाख रुपए है, जो वर्ष 2018-19 के बजट के सापेक्ष 12% अधिक है। बजट में 21,212 करोड़ 95 लाख रुपए की नई योजनाएं सम्मिलित की गई है। प्राप्तियां वर्ष 2019-20 में 4,70,684 करोड़ 48 लाख रुपए की कुल प्राप्तियां अनुमानित हैं। कुल प्राप्तियों में 3,91,734 करोड़ 40 लाख रुपए की राजस्व प्राप्तियां तथा 78,950 करोड़ रुपए 80 लाख रुपए की पूंजीगत प्राप्तियां सम्मिलित हैं। राजस्व प्राप्तियों में कर राजस्व का अंश 2,93,039 करोड़ 17 लाख रुपए है। इसमें स्वयं का कर राजस्व 1,40,176 करोड़ रुपए तथा केंद्रीय करों में राज्य का अंश 1,52,863 करोड़ 17 लाख रुपए सम्मिलित है। व्यय, कुल व्यय 4,79,701 करोड़ 10 लाख रुपए का अनुमान है। कुल व्यय में 3,63,957 करोड़ 4 लाख रुपए राजस्व लेखे के व्यय हैं तथा 1,15,744 करोड़ रुपए 6 लाख रुपए पूंजी लेखे का व्यय है। राजस्व बचत वर्ष 2019-20 में 27,777 करोड़ 36 लाख रुपए की राजस्व बचत अनुमानित है। राजकोषीय घाटा वित्तीय वर्ष 2019-20 में 46,962 लाख रुपए करोड़ का राजकोषीय घाटा अनुमानित है, जो वर्ष 2019-20 के लिए अनुमानित सकल राज्य घरेलू उत्पाद का
2.97% है, अर्थात इस बार भी हम जो है वो अपनी लिमिट के अंदर जो है आपके समक्ष इस बजट को प्रस्तुत कर रहे हैं। राज्य की ऋणग्रस्तता सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 29.98% अनुमानित है। समाकित निधि की प्राप्तियों में कुल व्यय घटाने के पश्चात 9,016,62,00,000 रुपए का घाटा अनुमानित है। लोकलेखा, लोकलेखे से 9,500 करोड़ रुपए की शुद्ध प्राप्तियां अनुमानित हैं। समस्त लेन देन का शुद्ध परिणाम 2019-20 में समस्त लेन देन का शुद्ध परिणाम 493,38,00,000 रुपए अनुमानित है। अंतिम शेष वर्ष 2019-20 में प्रारंभिक शेष 8,225,47,00,000 रुपए का को हिसाब में लेते हुए अंतिम शेष 8,708,85,00,000 रुपए होना अनुमानित है। मान्यवर, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी और अपनी वित्त राज्य मंत्री तथा मंत्रिपरिषद के अपने सभी माननीय सदस्यों का अत्यंत आभारी हूँ कि उनके सहयोग एवं परामर्श से तथा सभी विभागों में कार्यरत अधिकारियों एवं कर्मचारियों की सहायता से बजट प्रस्तुत करने में सक्षम हो सका। मैं अपर प्रमुख सचिव वित्त एवं वित्त आयुक्त उत्तर प्रदेश वित्त विभाग के समस्त अधिकारी कर्मचारियों के प्रति भी अपना आभार प्रकट करता हूँ जिन्हें इस बजट को तैयार करने में बहुमूल्य सहयोग प्रदान किया। मान्यवर, राजकोषीय अनुशासन को ध्यान में रखते हुए आय व्यय तथा यथार्थपरक लक्ष्य तय किए गए हैं। हमने घोटालों, घपलों और भ्रष्टाचार से मुक्त सरकार दी है। उस अमावस के अंधेरे अंधकार को हमने अपनी पूर्णिमा की उज्ज्वलता से समाप्त किया है। हमने कालजयी पूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के विचार कंधे से कंधा लगाकर, कदम से कदम मिलाकर हमने अपनी जीवन यात्रा को ध्येय सिद्धि के शिखर तक ले जाना है को अनुसरण कर रहे हैं। हम अपना कर्तव्य पालन कर रहे हैं। हमारी सफलता सुनिश्चित है। प्रदेश की जनता ने तीव्र विकास, बदलाव तथा पारदर्शिता की स्थापना के लिए सत्ता सौंपी थी। हमें सेवा का अवसर मिला है। हम निष्पक्षता तथा सिद्धांत प्रियता का परिचय दे रहे हैं। मैं वित्तीय वर्ष 2019-20 के आय व्यय के प्रस्तुतिकरण का समारोह निम्न पंक्तियों से करना चाहता हूं कि लहरों को साहिल की दरकार नहीं होती, लहरों को साहिल की दरकार नहीं होती, और हौसला बुलंद हो तो कोई दीवार नहीं होती, हौसला बुलंद हो तो कोई दीवार नहीं होती। और जलते हुए चिराग ने आंधियों से कहा, जलते हुए चिराग ने आंधियों से कहा, उजाला देने वालों की कभी हार नहीं। वंदे मातरम। माननीय अध्यक्ष जी, बजट में पिछली बार नेता प्रतिपक्ष ने बहुत अच्छे अच्छे कटाक्ष किए थे। बस मैं आपके माध्यम से उनके स्वास्थ्य की कामना करता हूं और चाहता हूं फिर से वही बुलंद आवाज इस कक्ष में गूंजे। धन्यवाद। आपने लेकिन बजट में कोई प्राविधान इनके स्वास्थ्य के लिए नहीं किया लगता। आगे ध्यान रखूंगा, ईश्वर ना करे ऐसा हो ना दावा के लिए पैसा भेजा। अब माने आप शेर सुनाएंगे क्या? कोई नहीं सुनाएगा, नहीं सुनाएगा नहीं कि माननीय वित्त मंत्री जी को मैं बधाई देना चाहता हूं कि जो मूर्ख देश की जनता को केंद्रीय बजट के माध्यम से बनाया गया उससे दुगुना मूर्ख आपने प्रदेश की जनता को अपने बजट के माध्यम से बनाया। इसीलिए शायद आप जो है वो मेज थपथपा रहे थे। हाँ, ये तो पूरे प्रदेश का बजट है। लगता नहीं है कि आप लोग ना मूर्ख हो। मैं कभी ताली बजाऊंगा? आपने पाप पर बजाया। प्रदेश का बजट और जैसा आपकी आकांक्षा थी वैसा बोलता भी, लेकिन कल बोला
वो डॉक्टर टीवी पर बैठा हुआ था, लिख के भेजवाया दिल्ली से कि ज़्यादा मत बोलिए, तेज आवाज में मत बोलिए, धीमी में बोलिए। तो तेज में तो नहीं बोलूँगा लेकिन धीमी में आपके हर बात का जवाब दूँ। मेरे पास नियम 300 की दो सूचनाएं, मैं नियम 300 सुना उचित है। अब आप कृपया स्थान ग्रहण करें। माननीय रितेश पांडे जी, आपका सूचना बजट से संबंधित है, तो आप क्या कुछ एक दो मिनट में अपनी बात कहना चाहें तो कह। माननीय अजय जी बैठ जाए। हेलो भैया। रितेश पांडे जी खड़े हो गए। रितेश पांडे जी बोल रहे हैं। माननीय अध्यक्ष जी, हाँ, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे नियम 300 में बोलने का अवसर दिया है। आप उनको बोलने दीजिए पहले। माननीय अध्यक्ष जी, सदन में बजट पेश होते ही वित्त मंत्री द्वारा विधानसभा सदस्यों को एवं आम नागरिकों को आय व्यय प्रस्तुतिकरण की समग्र जानकारी विभिन्न पुस्तकों द्वारा कराई जाती है, जो प्राय आय व्यय की जानकारी करने की प्रक्रिया को बहुत दिग्भ्रमित और जटिल बना देता है। आय व्यय के प्रमुख जानकारियों की सरल रूप में माननीय सदस्यों एवं आम नागरिकों को समझने के लिए आय व्यय एक दृष्टि में नामक विवरणिका की विस्तृत एवं पूर्ण बनाने की आवश्यकता है, जिसके आय व्यय स्रोतों एवं महत्वपूर्ण विभागों में अथवा उन विभागों में के प्रमुख योजनाओं पर होने वाले व्यय की जानकारी माननीय सदस्य एवं आमजन को हो सके। माननीय बजट भाषण बड़े धूमधाम से पेश किया जाता है और सरकार के एजेंडे के नजरिए से पेश किया जाता है, परंतु वास्तविक आंकड़ों से ही आसानी से समझा जा सकता है। आपका विषय आ गया। मान्य अध्यक्ष, बस दो मिनट सुंदर है सुझाव, दो मिनट और आपका